हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या बैरियर्स आती हैं। हालांकि इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इसका पूरा डिटेल वीडियो पहले ही आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। पर इस वीडियो को मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ये 5 मिनट के अंदर आपकी इन बैरियर्स को कंप्लीट करना है। 5 मिनट के अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमारे सामने कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी बैरियर्स आती हैं। सबसे पहली है हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर, मतलब पहली रॉन्गली फ्रेम्ड मैसेज। मैंने मैसेज को ही गलत तरीके से फ्रेम किया हुआ है, कोई ऐसी लैंग्वेज या ऐसी बात या ऐसे वर्ड यूज किए हैं कि सामने वाले को पता नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन गलत हो जाएगा। या फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हमने बात का गलत ले लिया, बात हमने कुछ और कहनी थी, सामने वाले ने ट्रांसलेशन ही गलत कर लिया, तो मैसेज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कम्युनिकेशन हमारा गलत हो जाता है। तीसरा है अनक्लेरिफाइड अजम्पशंस। कभी कभी हमारे मन में कॉन्सेप्ट और अजम्पशन बनी रहती है कि ये बात ऐसी ही होगी, वो ऐसा होगा, ये वैसा होगा, तो वो प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती है। चौथी है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। कभी कभी हम टेक्निकल वर्ड का यूज करते हैं और सामने वाले को वो बात समझ भी नहीं आती है। फिर है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कंपनी की पॉलिसीज की वजह से, कंपनी की पॉलिसी होती है, मान लो कि कम्युनिकेशन आपको सिर्फ रिटर्न में देना है, तो डेफिनेटली आप हर बात का कम्युनिकेशन नहीं करने वाले हो, प्रॉब्लम आई हुई है आपके सामने। दूसरा है रूल्स। कभी कभी कंपनी के रूल्स ही ऐसे होते हैं कि आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं, और लोग क्या करते हैं, रूल्स के डर की वजह से कम्युनिकेशन करने से ही भागते हैं। तीसरी बात है स्टेटस का। स्टेटस, कुछ लोगों को ऐसा लगा लो कि अपनी ईगो का डर होता है, अगर मैं अपनी बात मान लो उन लोगों को बता दूं, हो सकता है कि मेरे स्टेटस का पता लग जाए, उन लोगों को पता लग जाए कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो लोगों के अंदर अपने स्टेटस की रिलेशनशिप का खोने का डर होता है, प्रॉब्लम आती है। चौथा है कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कभी कभी स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक बात पहुंचने में ही बहुत सारी देरी हो जाती है, आप अपनी बात को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो, या कंप्लीट करते भी हो तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत देरी हो जाएगी, और जब तक काम आपका निकल ही जाएगा। पांचवी बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी। कभी कभी आपको ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी ही नहीं देती है, टेलीफोन का बिल पे नहीं किया, स्टेशनरी प्रोवाइड नहीं करवाई आपको, तो कम्युनिकेशन आप कर ही नहीं पाते हो। तो ये हुई हमारी लैंग्वेज और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बैरियर्स। फिर है हमारी पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट है सुपीरियर से रिलेटेड। कभी कभी सुपीरियर का एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, नेगेटिव एटीट्यूड, हर बात के लिए नेगेटिव सोचते रहना, तो इनका एटीट्यूड की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता है। या उनको अपनी पोजीशन का डर रहता है, उनके अंदर एक ईगो होती है, पोजीशन को खोने का डर होता है। अगर सामने वाले को मैंने बात बताई, काम गलत हो गया, तो हो सकता है कि मेरी पोजीशन छीन ली जाए, मेरा स्टेटस, मेरी नौकरी चली जाए। फोकस ऑन प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चैनल पे ही फोकस करते हैं कि बात हमको ऐसे ही कहनी है, वैसे ही कहनी है, इसी चैनल के थ्रू होएगी, और कभी कभी बात करते करते ही वहां तक पहुंचते पहुंचते ही देर हो जाती है, क्योंकि आपको प्रॉपर चैनल का ही फॉलो करना होता है। फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कभी कभी हमको नीचे के लोगों के अंदर, हमको लगता है कि नीचे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मैं उसको बात बताऊंगा, कोई काम कहूंगा, तो उसने काम ही नहीं पूरा करना, तो सुपीरियर बातें नहीं करते हैं। फिर कभी कभी सुपीरियर के पास टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि काम का बर्डन इतना ज्यादा होता है कि छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर है अटेंशन। नीचे सबऑर्डिनेट ने मान लो हमको कोई बात की, कोई सजेशन दिया, तो हम उसकी बातों की तरफ अटेंशन ही नहीं देते। फिर है हमारी सबऑर्डिनेट से रिलेटेड बैरियर्स। कभी कभी सब ऑर्डिनेट बात ही नहीं करना चाहते, उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव होता है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। कभी कभी क्या होता है कि सब ऑर्डिनेट ने मान लो कोई सजेशन दिया, सुपीरियर ने क्या किया, उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो सब ऑर्डिनेट के अंदर बात करने की क्षमता का अभाव आता है, अगली बार वो क्या करेगा, सजेशन देने ही नहीं वाला है, तो वो सजेशन देने से पीछे डरते हैं, या लगा लो कि अगली बार वो सुपीरियर को सजेशन ही नहीं देने वाले, तो ये भी प्रॉब्लम सब ऑर्डिनेट के सामने आती है। फिर है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर के अंदर हमारा है प्री मेच्योर इवेल्युएशन। किसी भी बात को पूरा होने से पहले ही हम उसके बात को कुछ भी मीनिंग निकाल लेते हैं। फिर दूसरा है इमोशनल एटीट्यूड। कभी कभी आपने देखा है कि हमारा एटीट्यूड अगर इमोशनल है, तो हम लॉजिकल बातों को समझ भी नहीं पाते हैं, उन बातों का मीनिंग हम अपनी लैंग्वेज में अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग ही निकालते रहते हैं, और इमोशंस के अंदर आके हम रोते रोते धोते रहते हैं। फिर इसी तरह से है पुअर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी कभी इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की हमारे अंदर पावर ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने दूसरे को बात कही, दूसरे ने जब तीसरे को बात बतानी है, तो समझ लेना कि वहां तक बात पहुंचते पहुंचते 30% इंफॉर्मेशन का लॉस हो चुका होगा, क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी कहती है कि सामने वाले ने जब हमको बात कही, उसी बात को अगर हम स्टडी करने बैठ जाएं, तो तब तक हमारी 30% इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी होगी। चौथी बात है डिस्ट्रस्ट। कभी कभी इंप्लॉइज का और सुपीरियर का, टॉप मैनेजमेंट का आपस में ट्रस्ट नहीं होता, और ट्रस्ट की वजह से वो लोग अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो ये हमारा 4 प्रकार की बैरियर पूरी हुई, कौन सा, लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, और चौथा है हमारा इमोशनल बैरियर्स। इस वीडियो का डिटेल स्टडी इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।